अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नादिया नैना चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो वीडियो लेके आई हूँ, आपको थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि मैं आपके लिए वीडियो लेके के आई हूँ। मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ वो है सनब्लॉक। सनब्लॉक हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बेशक वो सर्दी है या गर्मी है। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को विज़िट करें, सर्च करें, कुकिंग की वीडियो भी मिलेंगी आपको, कुकिंग के साथ साथ टिप्स की वीडियो भी मिलेंगी और क्या कहते हैं कॉस्मेटिक्स रिव्यू की वीडियो भी मिलेंगी। तो चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़रा तरीके के साथ। ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ सनब्लॉक, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आप इनडोर हैं या आउटडोर हैं, इसका यूज़ ज़रूर लाएँ अपनी स्किन के लिए। अच्छा जी, इसको ना मैं 2 मंथ से यूज़ कर रही थी, मुझे इसका रिज़ल्ट इतना ही ज़्यादा अच्छा लगा है ना, तो मुझे बैठे बैठे ख्याल आया क्यों ना मैं इस सन ब्लॉक को आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ। सोलारिस सन ब्लॉक जो कि मेडिकेटेड है, तो ये आपको मेडिकल स्टोर से ही मिलेगी। तो मेडिकल स्टोर से जाएं और इसको लेके आएं और अपने फेस पे अप्लाई करें। सबसे पहले तो हम इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। जो इसकी प्राइस है वो है 700 से 800 तक की, और इसके बाद जो है जनाब जी ये है 60 ml में ये आपको मिलेगा। इसके साथ इसकी पैकिंग भी बहुत ही बेस्ट है, पैकिंग जो है पिंक कलर में है और SPF 60+ है। वाओ, इट्स सो अमेजिंग। सनब्लॉक का आपको पता ही होगा, सनब्लॉक जो है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए ही बेस्ट है। ख़ास तौर पे अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो इसका यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि हमने अपने स्किन को सन से बचाना है। अगर आप घर में भी हैं तो भी इसका आपने यूज़ ज़रूर करना है डे टाइम में। अब इस पे जो मेंशन है वो पढ़ लेते हैं। ये कहता है ये इफ़ेक्टिव है मलाजमा के लिए, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए और प्री मैच्योर एजिंग के लिए, मतलब ये बेस्ट है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे ये कह रहा है वाटर रेसिस्टेंट, सेकेंड पे स्वेट प्रूफ। वैसे मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ऑयली तो नहीं है, स्किन मेरी नॉर्मल है इसीलिए ज़्यादा पसीना नहीं आया। इसके साथ ही फ्रेगनेंस फ्री। जी हाँ, ये फ्रेगनेंस फ्री ही है। जब हम इसको यूज़ करते हैं अपने फेस पे तो फील नहीं होता कि हमने कुछ लगाया हुआ है। हैपोलर्जेनिक, कोई एलर्जी नहीं हुई मुझे इससे, क्योंकि मैं 2 मंथ से यूज़ कर रही हूँ इसको। ये सारा इसका रिव्यू था जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। बाकी काफ़ी से लोग पूछते हैं, काफ़ी सी लेडीज़ पूछती हैं कि क्या हमें सन ब्लॉक के ऊपर मेकअप करना चाहिए। जी हाँ, सन ब्लॉक के ऊपर आप बेस भी अप्लाई कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है। और इससे मेरी स्किन फेयर ही हुई है, डल नहीं हुई। उम्मीद करूंगी आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।